अब होगा फास्टैग अनिवार्य। 15 फरवरी की आधी रात से लागू हो गया है फास्टैग। नहीं होने पर लगेगा दुगना शुल्क। फास्टैग कैसे कहां से लगवाएं जाने इस वीडियो में। आपको बता दें कि 15 फरवरी की आधी रात से टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल लिया जाएगा। भारत सरकार ने फास्टैग को 15 फरवरी की आधी रात से अनिवार्य कर दिया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा या मान्य फास्टैग नहीं होगा, फास्टैग लेन में घुसने पर उसे उस कैटेगरी के उपयोग शुल्क का दुगना भुगतान करना पड़ेगा। जानिए कैसे काम करता है फास्टैग। फास्टैग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और NHAI की पहल है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग है जो गाड़ियों के आगे के शीशे पर लगा होता है, ताकि टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगा सेंसर इसे रीड कर सके। फास्टैग की मौजूदगी वाला व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स फास्टैग से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से खुद ही कट जाता है। इसके लिए किसी को भी अलग से इंतजार करके कैश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुल्क खुद ब खुद आपके अकाउंट से कट जाएगा। आप यहां से ले सकते हैं फास्टैग। टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद पेट्रोल पंप, RTO, NHAI ऑफिस, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि Amazon, Flipkart, Paytm आदि, बैंक, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, माई फास्टैग ऐप, सुखद यात्रा ऐप, NHAI, IHMCL, NPCI वेबसाइट, Paytm ऐप। फास्टैग खरीदने के लिए इसके एप्लीकेशन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी देनी होगी। गाड़ी की RC, गाड़ी के मालिक के मुताबिक KYC डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा व्यक्ति को ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी और एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ देनी होगी, ये भी देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। लेबर को भारत सरकार ने नए श्रम नियमों को दिया अंतिम रूप। जल्द होंगे नए नियम लागू। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इससे इन सुधारों का वास्तविक में उतरना का रास्ता खुल गया है। इन्हें जल्द ही लागू करने के लिए सरकार की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। 4 कोड वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया जा चुका है, लेकिन इन 4 कोड को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किए जाने की जरूरत है। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्र ने बताया कि हमने 4 कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। जो 4 लेबर कोड को लागू करने के लिए जरूरी है वो इन नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है। संसद ने 4 मुख्य कोड वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सामाजिक सुरक्षा और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को पारित किया था, जिससे 44 केंद्रीय श्रम कानून पुनर्गठित होते हैं। वेतन पर कोड को संसद ने 2019 में पास किया था, जबकि दूसरे 3 कोड को दोनों सदनों से 2020 में पारित किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि नियमों को बनाने के बाद अब 4 कोड को एक साथ अधिसूचित किया जा सकता है। 25 से 27 फरवरी तक लगेगा किसान मेला, मिलेंगी दालों की कई उन्नत किस्में। IARI इंडिया द्वारा यानी कि पूसा के जरिए हर साल किसानों के लिए उन्नत किस्मों की दालें विकसित होती रहती हैं। इसी कड़ी में पूसा द्वारा हर साल एक किसान मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां किसान उन्नत किस्मों की दालें मेले में बेचते हैं। इस साल ये किसान मेला 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। IARI के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह बताते हैं कि इस साल किसान मेले में फसल उत्पादन की तमाम तकनीक और किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों के साथ कृषि गोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें किसानों के तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धान की नई किस्म होगी उपलब्ध। इसके अलावा धान की एक नई किस्म विकसित की गई है, जो कि पूसा बासमती 1792 है। ये कम अवधि वाली किस्म है, जो लगभग 115 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म की खासियत ये है कि ये पहले से बोई जाने वाली किस्म 1509 के मुकाबले प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल ज्यादा पैदावार देती है। इस किस्म से सितंबर में खेत खाली हो जाता है, जिसके बाद आप खेत में मिर्च, आलू और सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। धान के अलावा अरहर की किस्मों में पूसा अरहर 16 शामिल है, जो कि मात्र 120 में पककर तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई के बाद किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बता दें किसान मेले में इस किस्म का बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अरहर की 1191 और 1192 किस्म भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।